लेडीज एंड जेंटमैन हेयर वी आर विद द फिफ्टी एयर मॉड्यूल जैसे हमने लास्टली डिस्कस किया आज का टॉपिक उसी से रिलेट करता है क्रिटिकल अप्रोच टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लास्टली हमने बात किया कि सोशल पार्टिसिपेशन कैसे मुमकिन है हमारे पास जो है वो बहुत सी केस स्टडीज हैं एक एग्जाम्पल में और लेता हूँ कि टॉम शूज के नाम से एक कंपनी थी नाइनटीन समथिंग के अंदर मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा उसमें अगर आप ये देखें कि उन्होंने ये काम किया कि वो जूता एक जो जूता बाय किया जाता था उसी का एक जो है वो फौरी तौर पर लिख लिया जाता था और कि किसको दिया जाएगा और वो जूता जो है वो एक नीडी बच्चे को दिया जाता था यानी आप जितना परचेस करेंगे उतना एक जोड़ा लेंगे तो एक जोड़ा जो है वो एक जो है नीडी बच्चे को दिया जाएगा अच्छा इससे मैं एक सोशल ऑर्डर तो है ही है बिजनेस मोटिवस भी बढ़ेंगे पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी जिसको आप माइनस कर दीजिए इतना क्रिटिकल मत होइए कि इससे बिजनेस एक्सपैंड होता है आप सोशल बेनिफिट्स ले इसलिए देते हैं ताकि आपका ब्रांड बड़ा हो और आपकी वजूहत बड़ी हों और आपके जो है लोगों को भी फायदे हो रहे होंगे दैट इज अनदर स्पेस कमर्शलाइजेशन के ऊपर हम किसी वक्त में और बात करेंगे हम फाशिस्ट कमर्शलाइजेशन के ऊपर भी बाद में बात करेंगे हम फाशिस्ट कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे हम रुथलेस कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे लेकिन इस वक्त हम जो बात करें वो है क्रिटिकल अप्रोच टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी कैसे चीज अच्छा ये देखिए कि एक तो इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताया कि जब हजूरतला मदीना तश्रीफ लेकर आते हैं जब मदीना उन्नवरा आ जाते हैं तो वहाँ पर हर आद यहाँ पर जैसे मैंने टॉम के केस से भी बताया आज वेस्ट के अंदर मेरे पास तकरीबन दस ऐसी केस स्टडीज हैं जिन लोगों ने ऐसे ही किया जब आप छोटे कम्यूनल डेवलपमेंट में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप ट्रेड फाइंडिंग करते हैं किस आदमी में कैसे ट्रेड्स हैं सबसे क्योंकि जब आप कम्युनिटी में होते हैं कि एक आदमी को पता है कि बड़ा आर्टिस्टिक है मैं एग्ज़ाम्पल के बारे में बताता हूँ कि सैद अबू हुरर रजी अल्लाह थे उन्होंने देखा कि वो देखते थे कि वो नहीफ जिस्म के थे हर वक्त पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे बिलियाँ पालने का शौक़ था और बिलियों को दूध पिलाना जानवरों से प्यार करना और हर वक्त इल्मद्रीस का काम करते रहना और आपने देखा कि बेशुमारहदीस उन्हीं से रवायत भी हैं तो हजूर असलाम ने उन जैसे बेशुमार और उसी ट्रेड्स के लोगों को जंगो जदल के तरीके और कमानदारी सिखाने के बजाय आपको उस जगह पे ले गए यानी पहला जो यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं या पहली दस यानी अफ़ा या जिससे सुफा शरीफ कहते हैं वहाँ पर उनके लिए वो चीज़ डेवलप कर दी गई और वहाँ पर लोगों ने पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया ये एक पहली यूनिवर्सिटी कह लीजिए एक पहला स्कूल कह लीजिए पहली दस गाह कह लीजिए और वहाँ पर हर तरह का फ़नून, हर तरह का फन इल्म, तदरीस फन आ, 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 यानी आपको आ, यानी इंसानों का इल्म आपको अदाद का इल्म, हर चीज़ का इल्म वहाँ जाके सिखाया जाने लगा ये एक उनकी ट्रेड थी फिर जो बाकी ट्रेड्स थी उनको कमानदारी किसी को तलवार साजी किसी को तलवार चलाना ये मुख्तिस सनतें मुख्तलि उस कम्यूनिटी के अंदर से देखी गई हजूर अल्लाम ने ख़ुद अनालिस किया और हर आदमी एंटरप्रेन्योर लीडर होता है तो क्रिमिनल पार्टिसिपेशन इस तरह से डेवलप हुई दूसरी एक बड़ी एग्जाम्पल तो विमेन एम्पावरमेंट की आपको बताऊं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था ना कभी कल्चर था कि खुवातन का बाकायदा कोई पढ़ाने का इंतजाम हो तो आगर असलात असलाम के पास सईद आयशा सदीका रजी अल्ला ने पहला इनिशियेट दिया सो एक तरह की वो पहली आंट्रप्रोर बनती हैं जिन्होंने कहा कि हमें पढ़ना चाहिए हजूर ने सोच विचार किया कि इससे पहले प्रेसिडेंट तो नहीं है बहर हाल उनकी बात को सुना गया और फिर क्या हुआ कि जो उस ज़माने में चारपाइयाँ होती थी उनको लगाया गया और उसके ऊपर चादरें चढ़ा दी गई और चादरें चढ़ाने के बाद उनको वहाँ पर बिठाया गया उन्होंने फिर कहा कि हमें जो मुदरस देंगे क्योंकि तल्फ अच्छा होता है तजवीद का इल्म होता है कुरने मजीद सीखना है अहदीस सीखना है उसकी डॉक्ट्राइन सीखनी है उनकी अदायगियाँ सीखनी है तो हमें एक मर्द टीचर पढ़ाए तो इतना डिस्टेंस आठ फुट का या छः फुट का दिया गया और वो वहाँ से बैठ कर खातन को पढ़ाने का पहला इनिशियेट लिया गया और इस तरीके से सैदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह रजी इस एरिया में पहली इनिशिएटर रही इसी तरह सैदा खदीजा रजी अल्लाह का तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने एक आइडिया दिया इनिशियशन का कि तजारत के अंदर जो है वो तो किस तरीके से अपने एक नए ने नेटवर्क ने को डिवेलप करते हैं और ट्रस्ट डिवेलप करते हैं किन लोगों पर और कैसे किया जाता है सो ये इनिशिएशन जो आप देख रहे हैं ये मैंने जिस तरह आपको बताया फिर सैद आयशा सदीका रजी अल्लाह तन का आगे ही मैं आपको बता दूँ ये पहली खातून थी जिन्होंने इनिशिएट लेके वेमेन एम्पावरमेंट या वेमेन आंटरप्रनोर के अंदर भी एग्जाम्पल दी जा सकती है कि ये वो थी जिन्होंने फकी आ, फकीहा भी थी और लोग इनसे जो सहाबियात थे और सहाबी थे वो आ करके मुख्तफ मामला के अंदर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर नए मामल के अंदर जिद्दत पसंदी के ऊपर या इश्त मामलों के अंदर रेफरेंसेस भी लिया करते थे कि क्या यह मुमकिन है क्या इस तरह किया जा सकता है क्या कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है सो so ये एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये कि कम्यूनिटी पार्टिसिपेट कर रही है इसी तरीके से सनतें हैं आप जब कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना तो हजूर असलात अस्लाम ने मस्जिद को एक हब ऑफ द कम्यूनिटी बना दिया आज आपने देखा होगा कि मस्जिद को मुश्किल से सिर्फ़ नमाज की जगह बना दिया गया जबकि वहाँ पर शादी ब्याह बैठना उठना लेटना कोई सराय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था लोग आके रहते थे चालीस चालिस दिन किसी की भी मस्जिद में रहकर कर क़्याम किया जाता था और कभी भी किसी को एतराज़ नहीं होता था आप ये देखें कि वो एक कम्युनिटी का एक ऐसा जगह बना दी जाती थी और बेसिकली उसको कम्युनिटी की स्पेशल एक जगह या एक प्लेटफॉर्म करार दिया जाता था मस्जिद को ऐसे नहीं बनाया दिया जाता था कि एक एहतराम सिर्फ एहतराम की जगह नहीं एहतराम तो है वो अल्लाह का घर है लेकिन उसमें हर कोई अमान ले सकता था दरवाजे खुले होते थे जैसे अब लॉक लगा कर गेट बंद करके चार गार्ड बिठा दिए जाते हैं कि तो मस्जिद की कोई लोग ईंटें या चीज़ें चोरी करके ना ले जाएं या इसके लिए गलत काम ना कर दे या कोई बम धमाका ही ना कर दे सो तो ऐसा नहीं हुआ करता था तो कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ करती थी सो तो यहाँ हम देखते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने यही पैटर्न लिया और हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है आपकी कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं कोई बाफ्तार में बहुत अच्छा है कोई बातचीत में अच्छा है कोई यानी प्लम्बिंग में बहुत अच्छा है कोई सनतों में बहुत अच्छा है कोई जूता साजी में बहुत अच्छा है कोई गारमेंट्स में बहुत अच्छा है कोई टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है फिर आप उसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं फ़ंड्स के अंदर भी आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और आप उनको कहते हैं आप फंड ने एक हॉस्पिटल बन जाता है एक स्कूल बन जाता है एक बाकी चीज़ें बन जाती हैं तो ये क्रम्यल किमे, इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डेवलप करती है एक प्रॉपर अप्रोच के साथ जिससे आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं सो so हम यहां देखते हैं जी कि इसकी कितनी इट लीड्स टू द क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या आती है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर जो मेजर आती है वो है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मेंबर ऑफ कम्युनिटी वन सेकेंड जी पोलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द पर्सनल गेम्स थर्ड इज अ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हारमनी देखें जी ये वो क्रिटिसिज्म है जिसको क्रम्यूनल डेवलपमेंट खत्म करती है जब आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी एक दूसरे का एहसास पैदा होगा एक दूसरे के अंदर शेयरिंग पैदा हो जाएगी वो ये चीज़ें आपकी जो है वो अबाइड होना शुरू हो जाएंगी सो वट वी अंडरस्टैंड यूज एज अ पॉन्स इन अ प्रोजेक्ट आप उनको अपने अंदर इन्वॉल्व करें और उसका पेवेट मैं बता रहा हूं वो है मीशत इकोनॉमिक्स प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग इज द मेन आइडिया टू इंटरेक्ट एंड टू कनेक्ट इंटरेक्ट एंड टू कनेक्ट ऑल द कम्युनिटी और उनको आपस में एक दूसरे का स्टेक होल्डर बना दें तो दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे थैंक यू वेरी मच